समझ में नहीं आता बाल ना कटवाना कहाँ का फैशन है। फैशन वैशन कुछ नहीं, तुम्हें अगर बाल कटवाने पड़े तो अगले आफत मालूम हो जाए। मैं क्यों बाल कटवाऊं? औरतें नहीं कटवाती, हजारों बल्कि लाखों ऐसी मौजूद है जो अपने बाल कटवाती। बल्कि अब तो ये फैशन भी चल निकला है कि औरतें मर्दों की तरह छोटे छोटे बाल रखती हैं। लानत है उन पर। किसकी? खुदा की और किसकी। बाल तो औरत की जीनत है। समझ में नहीं आता कि औरतें क्यों अपने बाल मर्दों के मानिंद बनवा लेती हैं, फिर पतलूने पहनती हैं, ना रहे उनका वजूद दुनिया के तख्ते पर। अरे भाजी, वजूद तो खैर आपकी बद्दुआ से उन नेकबख्त औरतों का दुनिया के तख्ते से किसी हालत में गायब ना होगा। वैसे एक चीज में मुझे तुमसे कुल्ली इत्तेफाक है। क्या? औरत को पतलून जिसे स्लैक्स कहते हैं नहीं पहननी चाहिए। हाँ। और सिगरेट भी नहीं पीनी चाहिए। और आप है कि दिन में पूरा इत्तेफाक फूंक डालते हैं, क्यों? वो इसलिए है कि मैं मर्द हूँ, मुझे इसकी क्या जरूरत है। मुझे बताइए किसने दी थी इजाजत आपको? मैं तो अब आइंदा से हर रोज सिर्फ एक डिबिया मंगा के दिया करूंगी। और वो जो तुम्हारी सहेलियां आती हैं उनको सिगरेट कहाँ से मिलेंगे? वो कब पीती हैं? इतना समय झूठ ना बोला करो। उनमें से जब भी कोई आती है तुम मेरा सिगरेट का डब्बा उठाकर अंदर ले जाती हो, साथ ही माचिस भी। ठीक है, आखिर मुझे आवाज देकर तुम्हें बुलाना पड़ता है और मेरा डब्बा मुझे वापस मिलता है। उसमें से 5-6 सिगरेट गायब हो जाए। 5-6 सिगरेट? झूठ तो आप बोल रहे हैं। वो तो बेचारियां मुश्किल से बस एक सिगरेट पीती हैं। एक सिगरेट पीने में उन्हें क्या मुश्किल महसूस होती है? देखिए, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती। आपको तो और कोई काम ही नहीं सिवाय बहस करने के। हजारों काम है, तुम कौन सा हाल चलाती हो? अरे सारा दिन पड़ी सोई रहती हो। जी हाँ, आप तो 24 घंटे जागते और वजीफा करते रहते हैं। वजीफे की बात गलत है, अलबत्ता मैं ये कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ आपको 6 घंटे सोती। अच्छा, और दिन को? कभी नहीं, बस आंखें बंद करके 3-4 घंटे लेटा रहता हूँ। इससे आदमी को बहुत आराम मिलता है, सारी थकन दूर हो जाती है। थकन? ये थकन कहाँ से आती है? आप कौन सी मजदूरी करते हैं? मजदूरी तो करता हूँ। अच्छा, सुबह सवेरे उठता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ 1-4, अरे वाह, फिर नाश्ता करता हूँ, नहाता हूँ, और फिर तुम्हारी इस रोज मरना की चख चख के लिए तैयार हो जाता हूँ। तो ये मजदूरी हुई, और आप ये तो बताइए इस रोज मरना की चख चख का इल्जाम कहाँ तक दुरुस्त है? जहाँ तक इसे होना चाहिए। शुरू शुरू में मेरा मतलब है शादी के बाद 2 बरस तक जिंदगी बड़े सुकून में गुजरती रही, लेकिन फिर एकदम तुम पर कोई ऐसा दौरा पड़ा, तुमने हर रोज मुझसे लड़ना झगड़ना अपना मामूल बना लिया। मालूम नहीं इसकी वजह क्या है। ये वजह ही तो मर्दों की समझ से हमेशा बाला कर रहती है। आप लोग समझने की कोशिश ही नहीं करते। अगर तुम समझने की मोहलत भी दो, हर रोज किसी ना किसी बात का शोचा छोड़ देती हो। भला आज क्या बात थी जिस पर तुमने इतना चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया? गोया ये कोई बात ही नहीं कि आपने पिछले 6 महीनों से बाल नहीं कटवाए। अपनी अचकनों के कॉलर तो देखिए, मैले चीकट हो रहे हैं। ड्राई क्लीन करा लो। पहले अपना सर ड्राई क्लीन करवाइए, बहशत होती है। अल्लाह कसम, आपके बालों को देखकर जी चाहता है मिट्टी का तेल डालकर उनको आग लगा दो ताकि मेरा खात्मा ही हो जाए। लेकिन मुझे तुम्हारी इस ख्वाहिश पर कोई एतराज नहीं। लाओ बावर्ची खाने से मिट्टी के तेल की बोतल, आहिस्ता आहिस्ता मेरे सर में डालो और माचिस की तीली जलाकर लगा दो। कसम जहां पर ये काम आप खुद ही कीजिए। मैंने आग लगाई तो आप यकीनन कहेंगे कि तुम्हें किसी काम का सलीका नहीं। अरे ये तो हकीकत है, तुम्हें किसी बात का सलीका नहीं। खाना पकाना तुम नहीं जानती। हाँ। सीधा कुजोना तुमको नहीं आता। अरे बाप, घर की सफाई भी तुम अच्छी तरह नहीं कर सकती। क्या? बच्चों की परवरिश है उसको तो अल्लाह ही हफ्ज है। जी हाँ, बच्चों की परवरिश तो अब तक माशाल्लाह आप ही करते आए हैं, मैं तो बिल्कुल ही निकम्मी हूँ। क्यों? मैं इस मामले में कुछ और नहीं कहना चाहता, तुम खुदा के लिए बहस मत करो। मैं कहाँ बहस कर रही हूँ, आप तो मामूली बातों को बहस का नाम दे देते हैं। तुम्हारे नजदीक ये मामूली बातें होंगी, तुमने मेरा दिमाग चाट लिया है। मेरे सर पर हमेशा इतने ही बाल रहे, तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे इतनी फुर्सत नसीब नहीं होती कि हजाम के पास जाऊं। जी
हाँ बिल्कुल सही फरमाया आपने। आपको अपनी अय्याशियों से फुर्सती कहाँ मिलती है? किन अय्याशियों से? आप क्या काम करते हैं जनाब? कहाँ मुलाजिम है? क्या तनख्वाह पाते हैं? सच कहूँ आपको तो हर काम बड़ी लानत मालूम होता है जिसमें आपको मेहनत मशक्कत करनी पड़े। मैं क्या मेहनत मशक्कत नहीं करता? पिछले दिनों ईंटें सप्लाई करने का मैंने जो ठेका लिया था, जानती हो क्या? मैंने दिन रात एक कर दिया था। गधे काम कर रहे थे, आप तो सोते रहे होंगे। गधों का जमाना गया, लॉरिया काम कर रही थी और मुझे उनकी निगरानी करना पड़ती थी। 10 करोड़ ईंटों का ठेका था। अरे बाप रे, मुझे सारी रात जागना पड़ता था। मैं मान ही नहीं सकती कि आप एक रात भी जागे। अब इसका क्या इलाज है कि तुमने मेरे मुताबिक ऐसी गलत राय कायम कर ली है? मैं जानता हूँ कि तुमको 1000 सबूत देने पर भी तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी। हाँ तो मेरा यकीन आप पर से कैसा हुए उठ गया है? आप परले दर्जे के झूठे हैं। बोहतान तराशी में तुम्हारी हम पल्ला और कोई औरत नहीं हो सकती। मैंने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। ठहरिए, परसों आपने मुझसे कहा कि आप किसी दोस्त के यहाँ गए, लेकिन जब शाम को आपकी थोड़ी सी ठीक आई तो चहक चहक कर मुझे बताया कि आप एक एक्ट्रेस से मिलकर आए हैं, याद है? अरे वो एक्ट्रेस भी तो अपनी दोस्त है, दुश्मन तो नहीं। बिल्कुल, मेरा मतलब है अपने दोस्त की बीवी है। मुझे मालूम है आपके दोस्तों की बीवियां अमूमन या तो एक्ट्रेस होती हैं या दवाएं से। अरे इसमें मेरा क्या कसूर? कसूर तो मेरा है। वो कैसे? ऐसे कि मैंने आपसे शादी जो कर ली। मैं ना एक्ट्रेस हूँ ना दवा। मुझे एक्ट्रेसों और तबाइशों से सख्त नफरत है। मुझे उनसे कोई दिलचस्पी नहीं। वो औरतें नहीं इसलिए हैं जिन पर कोई भी चंद गुरूफ या लंबी चौड़ी इबारत लिखकर मिटा सकता है। तो उस रोज आप तो उस एक्ट्रेस के पास गए थे? मेरे दोस्त ने बुलाया था, चला गया। उसने एक एक्ट्रेस से जो पहले 4 शादियां कर चुकी थी नया नया प्यार रचाया था, मुझे उसे मिलवाया। कैसी थी? 4 शादियों के बाद भी खासी जवान दिखाई देती थी। तो मैं तो ये कहूंगा कि वो आम कुमारी जवान लड़की के मुकाबले में हर लिहाज से अच्छी थी। पता नहीं कैसे, लेकिन ये एक्ट्रेस से किसी तरह खुद को चुस्त और जवान रखती हैं। मुझे इसके मुताबिक कोई नहीं, बस इतना सुना है कि वो अपने जिस्म और जान की हिफाजत करती हैं। मैंने तो सुना है कि बड़ी बकेदार है, अव्वल दर्जे की फाहिशा। अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं। हमेशा ऐसी बातों को गोल कर जाते हैं। अरे जब मुझे किसी खास चीज के मुताबिक कुछ इल्म ही ना हो तो मैं क्या जवाब दूं? मैं तुम्हारे मिजाज के मुताबिक भी वसूल से कुछ नहीं कह सकता। घड़ी में तोला, घड़ी में माशा। देखिए, आप मेरे मुताबिक कुछ ना कहा कीजिए। आप हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहते हैं, मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने तुम्हारी बेइज्जती कब की है? ये बेइज्जती नहीं कि पिछले 15 वर्षों में आप मेरा मिजाज नहीं जान सके। इसका मतलब ये हुआ कि मैं मखबूतुल खवास हूँ, नीम पागल हूँ, उजड़ हूँ, है ना? ये तो खैर तुम नहीं हो, लेकिन तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है। अभी तक मेरी समझ में नहीं आया कि तुमने मेरे बालों की बात किस गलत से शुरू की थी। इसलिए जब भी तुम कोई बात शुरू करती हो उसके पीछे कोई ना कोई खास बात जरूर होती है। खास बात क्या होगी? बस आपसे सिर्फ यही कहना था कि बाल इतने बढ़ गए हैं, कटवा दीजिए। हजाम की दुकान यहाँ से कितनी दूर है? ज्यादा से ज्यादा 100 गज के फासले पर। जाइए पानी गर्म कर दीजिए। जाता हूँ, सिगरेट पी लूँ? सिगरेट विगरेट आप नहीं पियेंगे। अच्छा ठीक है, लीजिए। जरा ठहरिए, मैं डिब्बा तो देख लूँ। या मेरे अल्लाह, 20 सिगरेट फूक चुके हैं आप? 20? ये तो कुछ ज्यादा नहीं हुए, 12 बजने वाले हैं 12। ज्यादा बातें मत कीजिए, सीधे हजाम के पास जाइए और ये अपने सर का बोझ पहले उतरवाइए। जाता हूँ, कोई और काम हो तो बता दो। मेरा कोई काम नहीं, आप इस बहाने से बस मुझे टालना चाहते हैं। अच्छा तो मैं चला। ठहरिए। ठहर गया, फरमाइए। आपके बटुए में कितने रुपए होंगे? 500 के करीब। अच्छा तो यूं कीजिए, बाल कटवाने से पहले वो अनारकली है ना, पता है ना आपको? हाँ, वहां से एक सोने की अंगूठी ले आई। वो क्या है कि आज मेरी वो सहेली की ना सालगिरह है, ज्यादा नहीं कुछ 250-250 रुपए की होगी, तो मैं कह रही थी कि मेरी तो वही अनारकली में हजामत हो जाएगी।